मैं हूं आपके साथ हैदर जेदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उत्तराखंड राज्य के पश्चिमी विधानसभा के पहले सत्र की कार्यवाही आज सुबह राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने राज्य सरकार के तमाम योजनाओं और नीतियों का बखान किया। राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त होने के बाद सदन की भीतर कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने महंगाई का मुद्दा उठा दिया, लेकिन कोई जवाब न मिलने के बाद अनुपमा रावत सदन से बाहर निकलकर सीढ़ियों पर धरने पर बैठ गई। और ये तस्वीरें अनुपमा रावत की हैं, देखिएगा आप महंगाई को लेकर सदन के बाहर किस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देवभूमि में खास तस्वीरें आप देखिएगा। महंगाई को लेकर अनुपमा रावत ने ये प्रदर्शन किया है। और आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी हैं अनुपमा रावत, सदन के बाहर धरने पर बैठी हुई नजर आई अनुपमा रावत। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सदन में राज्यपाल का अभिभाषण खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया। महंगाई के मुद्दे पर जवाब ना मिलने के बाद किस तरह से बाहर बैठी हुई नजर आई अनुपमा रावत, सदन में राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होते ही यह मुद्दा उठाया गया। तो उत्तराखंड में आपको बता दें, जिस तरह से पश्चिमी विधानसभा के पहले सत्र की कार्रवाई आज सुबह राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई, अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने राज्य सरकार के तमाम योजनाओं और नीतियों का बखान किया। राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त होने के बाद सदन के भीतर कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने महंगाई का मुद्दा उठाया और उसका जवाब ना मिलने पर उन्होंने किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन कोई जवाब न मिलने के बाद अनुपमा रावत सदन से बाहर निकलकर सीढ़ियों पर बैठ गई और सीढ़ियों पर बैठकर वो महंगाई का मुद्दा उठाती रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं सदन के बाहर किस तरह से वो प्रदर्शन कर रही हैं। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण खत्म हुआ और उसके बाद अनुपमा रावत ने महंगाई का मुद्दा उठा दिया और जब मुद्दे का जवाब नहीं मिला, महंगाई का जवाब नहीं मिला, तो उसके बाद उन्होंने सीधे विरोध प्रदर्शन किया बाहर आकर। रोहित सोनी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, आपके पास आएंगे। और जिस तरह अनुपमा रावत ने इसको लेकर, महंगाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए और जवाब ना मिलने के बाद उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो भी सबने देखा, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए सदन की कार्यवाही आज जो है पंचम विधानसभा के लिए जो पहली सत्र थी और पहला दिन था, और पहले दिन जो कार्यक्रम रहता है वह राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होती है। जो 5 साल राज्य सरकारी कार्यकाल कर रहा है, क्या कुछ योजनाएं रही, उनका बखान किया गया। हालांकि अभिभाषण का जो समय रखा गया था 11 बजे रखा गया था, करीब 12-12:30 बजे के बीच तक जो है ये अभिभाषण चला। उसके बाद जो है जब महंगाई के मुद्दे को लेकर के जो हरीश रावत की बेटी है और हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत था, उन्होंने मुद्दा उठाया महंगाई का, क्योंकि लगातार अगर हम देखते हैं पिछले 8 दिनों से डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका मुद्दा उन्होंने सदन के भीतर उठाया। लेकिन वहां से कुछ जवाब न मिलने और चर्चा न होने के बाद जो है वह सीधा सदन से बाहर निकलती है और धरने पर बैठ जाती है। खास बात आपको बता दें तो जो अनुपमा रावत का दुपट्टा है, अपने दुपट्टे पर ही लिख करके वो लेकर के आई थी महंगाई का मुद्दा, और कहीं ना कहीं दुपट्टा ही दिखा करके लोग लगातार अपना आक्रोश व्यक्त किया है और धरना दिया है। हालांकि फिर उसके बाद बातचीत में उन्होंने बताया कि इस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो आम जनता है उसके जेबों पर डाका डल रहा है, लिहाजा राज्य सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हो रही है, तो ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि कोई फैसला ले ताकि महंगाई पर थोड़ी लगाम लगाई जा सके। लेकिन फिलहाल देखते हैं, पहला दिन ही सदन की कार्रवाई के बाद जो है विपक्ष ने जो है विरोध करना शुरू कर दिया, हंगामा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में भी 2 दिन और बचे, तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अगले 2 दिनों में विपक्ष पूर्व जोर आक्रमक भूमिका में नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो विपक्ष आक्रामक भूमिका में नजर आएगा। जिस तरह से अनुपमा रावत ने यह विरोध जताया, भी ये प्रदर्शन किया, उससे साफ तौर पर यह झलक सकता है कि वो अब इन बाकी के दिनों में, जो सत्र के बाकी के दिन हैं विधानसभा के, उसमें भी पूरे हंगामेदार रहने के आसार हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इस तरह से जो स्थितियां हैं हम बात करें तो लगातार कांग्रेस जो है इस बाबत पहले ही बैठक कर चुकी है। जो बीते दिन कांग्रेस विधायक मंडल की बैठक हुई थी उसमें यही चर्चा किया गया था कि आखिर किस तरीके से सरकार को घेरना है, क्योंकि अगर 2017 की बात करें, 2017 के बाद इस बार खासकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस जो है 19 तक पहुंच गई है, यानी कि करीब 8 सीटें इस बार ज्यादा लेकर के आई है। इसके अलावा 2 बसपा के भी विधायक मौजूद रहेंगे, तो विपक्षी दल इस बार कोशिश करे कि राज्य सरकार को घेरा जाए, क्योंकि जिस तरह से 5 साल के कार्यकाल जो रहे हैं उन कार्यकालों में कुछ तमाम कमियां रही हैं, और आगामी कर बात करें तो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम रहने वाला है। यही वजह है कि विपक्षी दल पहले ही बैठक कर चुके हैं और रणनीति बना चुके हैं कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सदन के भीतर। बिल्कुल, तो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार सत्ता पक्ष को विपक्ष घेरने का काम करता रहेगा। चलिए, आप बन रही है हमारे साथ, हम खबरों में आगे बढ़ते हैं।